अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़मान, आपके अपने चैनल जापान मशीनरी स्टोर से। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा एक काम का गैजेट है जो कि हमारे कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर, हमारे डेयरी फार्मर्स के पास, जो लोग एक फार्म को बड़ा जदीद तरीके से चला रहे हैं और नई से नई चीज़ की हर वक्त तलाश में रहते हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है। अभी लास्ट टाइम हमारे ट्रिप के ऊपर हम कर्टसन कंपनी को विज़िट कर रहे थे, तो कर्टसन, जिस तरह आप जानते हैं कि तुर्की और इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे पाकिस्तान के अंदर मिल्किंग सेक्टर के अंदर सबसे, मतलब अगर कैटेगोरिकली देखा जाए तो नंबर वन ब्रांड है। उसी ब्रांड की ये इक्विपमेंट है। ये बेसिकली फीडिंग ट्रॉली है जो कि एक बहुत अच्छे मटीरियल के अंदर तैयार की गई है। इसके अंदर आप जो इसका मेन पाइप देखेंगे, जिस फ्रेम के साथ ये मशीन बनी हुई है, वो स्पेशली हॉट डिप ग्लवनाइज है। जिस तरह आपके वाबडा के जो खंबे होते हैं उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, उसको हॉट डिप ग्लवनाइजेशन किया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि 50 साल 100 साल तक उसको जंग वगैरह ना लगे। तो ये बिल्कुल जंग से पाक इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, जिसको हम हॉट डिप ग्लवनाइजेशन बोलते हैं। सेकेंडली, दो व्हीलों के साथ बड़ी ईजीली मूवेबल ट्रॉली है। बड़ी जो बंदा इसको ऑपरेट करे उसके लिए बहुत अच्छा, मतलब बड़ा ईजी टू यूज़ है। सेकेंडली, आप इसको अपने सबस चारे को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट करने के लिए, साइलेज को एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, मतलब फीडिंग के लिए जो जो भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, लाइक वंडा मुख्तलिफ चीज़ें, वो आप इसके अंदर डाल के एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। मूव करना बहुत आसान है। फिर जिस जगह पे आपने इसको अनलोड करना है, वहाँ पर जाके आप इसको सिंपली पीछे से उठाएंगे तो ये अनलोड करने के लिए भी बहुत आसानी वाला इसको सिस्टम है। आपको पूरी ट्रॉली को उठा के मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा मटेरियल है, फूड ग्रेड, मतलब टर्किश ब्रांड है पूरा, और आई थिंक ये फाइबर प्लास्टिक की कोई किस्म है, अनब्रेकेबल है। तो व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट आपकी, मैं आप लोगों को इस वीडियो के तवज्जो से करूँगा। ये एक हम लोग शौक से इस प्रोडक्ट को लेके आए, बड़ी खूबसूरत एक गैजेट था फार्म से रिलेटेड, और काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि आप इसका हुजम देख रहे हैं तो ये वॉल्यूमेट्रिकली काफ़ी ज़्यादा वेट रखती है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मतलब खर्चा आया है तुर्की से लाने में। तो ये हम लोग शौक से लाए हैं शौकीन लोगों के लिए। बराए मेहरबानी इसकी प्राइस के बारे में जानकर गलत कमेंट करने से थोड़ा सा गुरेज करें, क्योंकि ये मशीन इसके ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्सपेंस आता है कि इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट 28,000 रुपये इसकी प्राइस है, और इसके अंदर हम कोई आप लोगों से पैसे कमा नहीं रहे। ये जस्ट एक शौकीन लोगों के लिए, शौक से रखने के लिए एक चीज़ हम लोगों ने कोशिश की कि आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करें। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी पसंद आई है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपने दोस्त ज़मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेकी।